एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर और एग्जाम। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे कभी, और कर्ण का जो चैरियट का व्हील है, जो रथ का पहिया था, वो गड्ढे में घसा हुआ था और वो उसको निकाल रहे थे। लॉर्ड कृष्णा टोल्ड टू अर्जुना दैट अटैक एंड किल हिम, बट वॉरियर का जो कंसाइंस है, अर्जुन का जो कंसाइंस है, वो ये बोलता है नहीं, निहत्ते पे वार नहीं करना। लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने उस वक्त क्या बोला, दैट एवरी थिंग इज फेयर इन लव वॉर एग्जाम्पल। रेप विक्टिम के केस में क्या हुआ कि जो रेपिस्ट है उसको इम्प्रिजन कर दिया गया, मार दिया गया, लेकिन जो रेप विक्टिम है क्या उसको सही कंपेंसेशन मिला, क्या उसको एक डिग्निटी वाली दोबारा लाइफ मिल पाएगी, क्या इसके बारे में हमारा लॉ, हमारी जुडिशरी विचार कर सकती है। आई एम टेकिंग यू टू द विशाखा केस, जस्ट थिंक ऑफ इट कि कितने सालों बाद जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे कोई लेडी आती है तब उसे न्याय मिलता है, और वो जजमेंट इतना रिवॉल्यूशनरी बन जाता है कि आज की डेट में वर्क स्पेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉयर को देनी चाहिए, वो सारी की सारी गाइडलाइंस उसी केस में करती है, विशाखा केस। शराब को तो लोग बेवजह बदनाम करते हैं, लाइक यदि शराब में यदि नशा होता तो फिर बोतल भी नाचती, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। कोरोना के टाइम पर जब कुछ भी नहीं खुला था, सबसे पहले शराब की दुकानें खुली। सरकार का ये जस्टिफिकेशन था कि भाई इससे टैक्स आएगा जिससे हम लोग दवाइयाँ खरीद पाएंगे कुछ नीडी सेक्शंस के लिए। आज की डेट में ये शराब का मतलब जो है वो दिल्ली की सरकार से पूछा जाए कितने काले बादल छाए हुए हैं। Hey guys, I hope you are fantastic at your place. We are now up with another video wherein we will be discussing about the scholar asked by the UPSC. Many scholars we have discussed, many scholars yet to be discussed, and you know the objective behind this series is to help you, especially for those students who are writing and who will be writing mains this year in 2023 and also in 2024. एंड ऑल्सो एक बेसिक आइडिया ये है कि इथिक्स जैसा ओपन बाउंड्री वाला पेपर जिसकी एक कोर, एक न्यूक्लियस डेवलप हो सके और हम एक स्ट्रिंग को पकड़ के रख सकें कि एक कॉन्क्रीटली कॉन्फिडेंस आए कि यस ये वाला स्टफ जो है इस चार दीवारी के अंदर इसको हम यूज़ कर पाएँ, तो वो स्टैंडर्ड सिलेबस क्या हो सकता है। वो यही है कि पिछले अराउंड 10 ईयर्स में जो UPSC ने 2013 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को हम बार बार, उन्हीं स्टफ को हम यूज़ करें UPSC को ग्रिल करने में, क्योंकि इवेल्युएटर और जो एग्जामिनर होता है जो कॉपी चेक करता है उसके पास जो की होती है उसमें हाईलाइट वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो UPSC ने ऑलरेडी पूछ रखी हैं। जब UPSC ने जो बात कही है और वही हम बात ये बताएं कि प्रीवियस क्वेश्चंस में जो ईयर पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं उसमें UPSC ने ये बात कही है, वाइल राइटिंग द आंसर एग्जामिनर या इवेल्युएटर जो भी है वो आपको मार्क्स देगा ही देगा। एंड एक स्मार्टनेस होती है हर स्टूडेंट की, एंड दिस इज़ वॉट UPSC एग्जाम इज, दैट एक लेजिटिमेट स्मार्टनेस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ टू बिगिन विथ, आज की डेट में हम जिस स्कॉलर की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है पॉटर स्टीवर्ट। नाउ पॉटर स्टीवर्ट की यदि हम बात करें तो US में एडवोकेट थे, फिर जज भी बने। 1915 से 85 तक का इनका टाइम है, लगभग 70 ईयर्स तक का। एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, डॉटर सन सब थे, एंड एक मेयर जो इनके फादर थे उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ इनको दी। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत सारे हैं, लेकिन इनके कोट्स में से UPSC ने एक कोट जो दिया क्वेश्चन के रूप में वो आपके सामने लिखा हुआ है, एंड वो है इथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। इसको हम एलेबोरेटली समझेंगे, बट एक ग्लिम्स मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो का, दैट व्हाट शैल वी बी डूइंग हियर, दैट अबाउट पॉटर स्टीवर्ट। आप काइंडली कंफ्यूज ना करें हैरी पॉटर में और पॉटर स्टीवर्ट में। हैरी पॉटर में पॉटर जो है वो सरनेम है, यहाँ पर पॉटर जो है वो नेम है, दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। देन उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, उनके जो कोट्स हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो UPSC ने क्वेश्चन पूछा है उसके स्टफ को इस तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर का है
मीन्स 2023 या 2024 उस एग्जाम में कैसे हेल्प हो सकता है। देन हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे दूसरे स्कॉलर्स को पॉटर स्टेवर्ट के व्यूज से एंड उसके कंट्रीब्यूशन से। देन ऑल्सो सम ऑफ द थ्योरीज जैसे नेचुरल इथिक्स थ्योरी क्या है, डियोन्टोलॉजी टेलियोलॉजी से इसका क्या कनेक्शन है, कमांड डिवाइन कमांड थ्योरी क्या है। सो जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो कॉन्क्रीटली हमें कुछ चीज़ों का एक फ्रेम बनाना होता है, कंपैरेटिव इंडेक्स बनाना होता है। देन इंडियन माइथोलॉजी से कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कृष्णा अर्जुन एंड कर्ण की कुछ कहानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ हो सकती है, जो आगे वाले आंसर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा स्टेप बन सकती है। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। नाउ इस वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट इनके दो स्टेटमेंट यहाँ पर मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ही टोल्ड दैट वी डेडिकेटेड आर सेल्फ अ लॉ, अ पावरफुल आइडिया, एन ऑर्गेनिक लॉ रेदर देन अ नेकेड पावर, देयर सीम्स टू बी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉ। हमने एक ऑर्गेनिक लॉ जो कनेक्ट होता है रियलिटी से और सोसाइटी के मेंबर्स में, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए रैदर देन अ नेकेड पावर, जो किम जोंग टाइप पर्सन करता है, अथॉरिटेरियन रेजिम में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में, और हम भी अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसका स्टफ भी आपको देंगे। बट अभी तो केवल उनके कॉन्ट्रीब्यूशन और कनेक्शंस को देखने की बात हो रही है। देन सेकेंड है, आई शेल नॉट टूडे अटेम्प्ट फर्दर टू डिफाइन द काइंड ऑफ मटेरियल, बट आई नो इट वेन आई सी इट। इट इज समथिंग लाइक सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है मुझे उसी पे विश्वास होता है, बात भी सही है। एंड जो अपने आप में सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है, उसको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो अपने आप में सच होता है उसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और वही किसी भी लॉ की स्पिरिट होनी चाहिए। और लॉ विदाउट एथिक्स इज नॉट अ लॉ, ही इंटेंड टू से दिस हियर। द थर्ड कोट दैट आई हैव पिक्ड अप दैट इज, स्विफ्ट जस्टिस डिमांड मोर देन जस्ट स्विफ्टनेस, ही सेड दैट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एक तो होता है जस्टिस इज डन, दूसरा होता है जस्टिस अपीयर्स टू बी डन। जजमेंट हो गया फैक्ट्स के रूप में, लेकिन वास्तव में क्या जो परेशान व्यक्ति था, जो न्याय के लिए आया था, जो जज जज साहब के पास आया था जस्टिस लेने के लिए, क्या वो संतुष्ट है? क्या उसे किसी ने पूछा? रेप विक्टिम के केस में क्या हुआ कि जो रेपिस्ट है उसको इम्प्रिजन कर दिया गया, मार दिया गया, लेकिन जो रेप विक्टिम है क्या उसको सही कंपेंसेशन मिला? क्या उसको एक डिग्निटी वाली दोबारा लाइफ मिल पाएगी? क्या इसके बारे में हमारा लॉ, हमारी जुडिशरी विचार कर सकती है? आई एम टेकिंग यू टू द विशाखा केस, जस्ट थिंक ऑफ इट कि कितने सालों बाद जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे कोई लेडी आती है तब उसे न्याय मिलता है, और वो जजमेंट इतना रिवॉल्यूशनरी बन जाता है कि आज की डेट में वर्क स्पेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉयर को देनी चाहिए, वो सारी की सारी गाइडलाइंस उसी केस से निकलती हैं, विशाखा केस। नाउ अनदर थिंग दैट आई जस्ट नीड टू डिस्कस बिफोर वी गो फॉर स्टफ दैट वी आर हैविंग टू डिस्कस अबाउट द पॉटर स्टेवर्ड, दैट टू केसेस वेर इन ही गेव द कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मिरिंडा वर्सेज एरिजुएना। इस वाले केस में राइट टू रिमेन साइलेंट वॉज गिफ्टेड बाई हिम, स्पेशली फॉर द पुअर एंड अनएजुकेटेड हु आर नॉट नोइंग देयर राइट। वॉट डज इट मीन? इट मीन्स आपने कोई जुर्म किया और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस ने आपको इंटेरोगेट करना शुरू किया कि बताओ क्या क्या हुआ, लेकिन पुलिस ने आपको ये राइट नहीं बताया कि आप हमारे क्वेश्चन पे चुप भी रह सकते हो, आप उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। यही स्टैंड था पॉटर स्टेवर्ड का, कि पुलिस को ये बताना बहुत ज़रूरी है अरेस्टेड पर्सन को कि उसके क्या क्या अधिकार हैं। इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब
अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता। एक दामिनी का केस कि बताओ दामिनी क्या हुआ था, मीन्स अ रेप सर्वाइवर, तो आप जबरदस्ती पब्लिक में ये नहीं कर सकते हो। आज की डेट में तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आज की डेट में बहुत पावरफुल है। आई मीन टू से इज दैट मिरिंडा वर्सेस एरिजुआना केस में राइट टू रिमेन साइलेंट विच वॉज हिडन इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रॉट अप बाई पॉटर स्टेवर्ट। दिस वॉज द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज रिमेंबर्ड फॉर। अनदर केस वॉज ग्रिसवोल्ड वर्सेज कनेक्टिकस। नाउ कनेक्टिकट में एक लॉ आया जिसमें कॉन्ट्रसेप्टिव्स जैसे कॉपर टी होता है, ऐसे कुछ उपाय जो मैरिड कपल यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी फैमिली प्लानिंग हो सके, कब बच्चा चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है। नाउ स्टेट लॉ वॉज सेइंग दैट यू कैन नॉट यूज़ दी कॉन्ट्रसेप्टिव्स, विच वॉज अ काइंड ऑफ नॉट एक्सेप्टेबल थिंग। नाउ अ कपल वॉज फाइंड $100 फॉर इट। दे वेंट टू द कोर्ट फॉर दिस केस, फॉर दिस लॉ, बट कोर्ट अपहेल्ड द लॉ दैट या मैरिड कपल ऑल्सो कैन नॉट यूज एनी कॉन्ट्रसेप्टिव्स। देन दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट फाइनली, जहाँ पर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अगे यूजिंग द 14th Amendment ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके ये बोला दैट कॉन्ट्रसेप्टिव्स को जो फीमेल है, मेल है, जो मैरिड कपल है, वो यूज नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक लॉ शुड बी देयर। सो दीज आर दी टू गिफ्ट दैट वी कैन हैव फॉर दी पॉटर स्टेवर्ट। नाउ वी कैन कम टू नाउ वी कैन कम टू दी स्ट्रेट विद अ क्वेश्चन दैट इथिक्स इज वॉट इज राइट टू डू एंड वॉट इज योर राइट टू डू। इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है उसको हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, इंडियन माइथोलॉजी के भी एग्जाम्पल इसमें होंगे। एक एग्जाम्पल है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, और एक रिजर्व्ड सीट पर बैठा हुआ इंसान है, और इसकी जो सीट है वो कंफर्म्ड नहीं है, और आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी सीट पे बैठो, ये आपका अधिकार है, राइट है, मींस Part 3 जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वो है आपके पास, और इस लेडी के पास अधिकार नहीं है कि ये आपको उठा दे। लेकिन जब आप एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं, या फिर एक आप ओल्ड लेडी को देखते हैं, या फिर आप एक लेडी को देखते हैं जिसकी गोद में एक बच्चा है, तो आप क्या करेंगे? आपकी कॉन्साइंस, आपकी मॉरल कॉन्साइंस क्या आपको बोलती है कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं और मैं इसको जगह दूं, जबकि ये मेरी पैसे खर्च करके आई हुई रिजर्व्ड सीट है? नाउ व्हाट इज योर राइट एंड व्हाट इज राइट टू बी डन, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट व्हाट इज राइट टू डू इज समथिंग विद इन द इथिकल फ्रेम एंड बियॉन्ड द लीगैलिटी ऑफ द थिंग्स। इट मीन्स इट इज एक्सियोमैटिक। ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। इसका मतलब क्या है? ये सिचुएशनल है, राइट? इट डजंट आस्क फॉर एनी अदर एक्सप्लेनेशन। कोई भी अनएजुकेटेड पर्सन इस सिचुएशन को देख के समझ लेगा दैट व्हाट इज टू बी डन हियर। ये एक इंडिविजुअल, एक लीगल लॉ आर्टिफिशियली होता है, ऊपर वाले ने तो नहीं बनाया, गॉड मेड थिंग नहीं है ये एक लीगल आर्टिफिशियल थिंग है, जो कि हो सकता है कि एक जगह पे लीगल हो, दूसरी जगह पे इलीगल हो, क्योंकि पूरे के पूरे जो वर्ल्ड में लॉज बनाए हुए हैं वो एक पैरिटी में नहीं है। किसी किसी जगह पे डेथ पेनल्टी लीगल है, किसी जगह पे नहीं है। इंडिया में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन फॉलो होती है डेथ पेनल्टी के लिए।
So this is a difference. Now, another thing or another example is that a doctor जो इमरजेंसी में आया हुआ एक पेशेंट है, पहले उसको बचाने के लिए जिसका टाइम बिल्कुल जा रहा है और उसे जस्ट टू डाई पर्सन को अटेंड करना है, उसको अटेंड पहले करेगा या फिर वो लीगल फॉर्मेलिटी को अटेंड करेगा? दैट पहले भैया लीगल फॉर्मेलिटी कर लो, आप पेपर वेपर साइन कर दो, उसके बाद मैं इसको देखना शुरू करूंगा. व्हाट इज राइट? डॉक्टर का राइट है कि वो लीगल फॉर्मेलिटी करे, लेकिन व्हाट इज राइट टू बी डन? दैट फर्स्ट द पेशेंट शुड बी अटेंडेड, एंड लीगल फॉर्मेलिटी पैरेलली कोई दूसरा पर्सन कर सकता है, लेकिन डॉक्टर को उसे बचाना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है. देन ऐसा ही एक एग्जाम्पल निकल के आता है अजमल कसाब का. नाउ अजमल कसाब के एग्जाम्पल में यदि मैं सऊदी अरब के लॉस को देखूं, तो भाई वहां तो आग के बदले आग है, शाम को ही गला स्लिट कर दिया जाता. बट यहाँ पे मोर देन 2 ईयर्स हमने उसको जिंदा रखा, लॉयर भी दिया, खाना पीना बहुत ज़्यादा था, मेडिकल फैसिलिटीज़ थी. इतने पैसे में तो कई सारे जो नीडी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का खर्चा निकल जाता, कितना इथिकल हो सकता है? लेकिन लॉ हैज़ टू बी देयर. नाउ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ राइट टू बी डन? नाउ व्हाट इज़ राइट टू डू मीन्स क्या सही है और क्या गलत है ऐसे इंसान के साथ करने के लिए? इतना प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तो नहीं होना चाहिए था, राइट? एंड ऑफ कोर्स ऐसे हीनियस क्राइम के लिए ये भी नहीं है कि हम उसे जाने दें. नाउ दीज आर दी वेरी यू नो काइंड ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर सही और गलत में तो कहीं पर भी आपको नहीं मिल सकता. वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वेरियस थ्योरीज हैं, और यदि एक स्कूल में जाके बैठ जाओ तो लगता है कि हाँ यही सही है, और फिर जाके दूसरे स्कूल को अटेंड करो तो फिर लगता है कि यस वो लोग सही है. ऐसे ही एक यदि मैं इमैनुअल कैंट नाम के पर्सन थे जिन्होंने डियोन्टोलॉजी एंड टेलियोलॉजी की बात की थी. डियोन्टोलॉजी मींस ड्यूटी इथिक्स, और जो ड्यूटी इथिक्स है वो हमारी जो गीता है, गीता मतलब ये नहीं है कि आपके बगल में कोई गर्ल रहती है और उसका नाम गीता है और फिर आप तो स्टूडेंट ही हैं और स्टूडेंट की लाइफ में जो भी है. एनीवे, लॉर्ड कृष्णा ने जो बात कही है दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर और एग्जाम, जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे कभी, और कर्ण का जो चैरियट का व्हील है, जो रथ का पहिया था, वो गड्ढे में घसा हुआ था और वो उसको निकाल रहे थे. लॉर्ड कृष्णा टोल्ड टू अर्जुना दैट अटैक एंड किल हिम, बट वॉरियर का जो कंसाइंस है, अर्जुन का जो कंसाइंस है, वो ये बोलता है नहीं, निहत्ते पे वार नहीं करना. लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने उस वक्त क्या बोला? दैट एवरी थिंग इज फेयर इन लव वॉर एग्जाम वट एवर. तो यहाँ पर जो ड्यूटी इथिक्स है वो क्या कहती है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, जिसका उल्टा है टेलियोलॉजी में, जिसको कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी कहते हैं. यहाँ पर ये बात होती है कि पहले कहाँ पहुँचना है उसके बारे में डिस्कस कर लो, रास्ता तो हम बाद में इख्तियार कर लेंगे. एक प्रोसेस की बात करता है, दूसरा प्रोडक्ट की बात करता है. नाउ व्हाट इज योर राइट टू डू इज एक्सेसिवली फोकस ऑन प्रोसेस ऑन प्रोसीजर. एज अ ब्यूरोक्रेट, एज एन आईएएस, यू हैव द लिस्ट कि भाई यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में जाना है और ऐसा ऐसा करना है. फिक्सेशन, यदि फिक्सेशन हो गया कि भाई इसमें ऐसे ही होता है रूटीन तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा. इट शुड नॉट बी देयर. नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर? दैट व्हाट इज राइट टू डू इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू फॉलो. दैट एक्सेसिव फिक्सेशन और एक्सेसिव फोकस ऑन फॉलोइंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ओनली, इट शुड नॉट बी देयर. देयर हैज टू बी अ लेजिटिमेट स्मार्टनेस, देयर हैज टू बी अ लेजिटिमेट विंडो टू एकोमोडेट द सिचुएशनल डिमांड इन एवरी डिसीजन दैट यू मेक एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज एनी वर्किंग प्रोफेशनल. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई नीड टू टॉक अबाउट यू कैन से
इक्विटी एंड इक्वालिटी। यू सी आर्टिकल 14 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, देन आर्टिकल 14 तो ये कहता है कि भाई 10 रोटी हैं आपके पास और आप 5 लोगों दो दो सभी में बांट दो, ये होता है दैट व्हाट इज योर राइट टू डू, ये आपका अधिकार है, आपको इस तरीके से काम करना है। लेकिन इक्विटी जो एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, व्हाट डज इट से, इट सेज कि किसको कितनी जरूरत है पहले उन लोगों को बराबर बनाओ और फिर उसके बाद में इक्वालिटी को एडमिनिस्टर करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बराबर लोगों में ही बराबरी हो तो ज़्यादा बेहतर है, ये नहीं कि एक 450 किलो का इंसान है और एक 45 केजी का इंसान है और दोनों को आपने आपस में लड़ा दिया। इसीलिए हमारा रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो जस्टिफाई हो जाता है आर्टिकल 14 की वजह से, जो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 15 एंड 16 से दिया जाता है लोगों को स्कूल में एडमिशन के लिए प्लस गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन के लिए। सो दीज आर दी एग्जाम्पल, आई होप यू दैट यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बट अपार्ट फ्रॉम दीज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन साइड, देर आर अदर स्टैंडर्ड दैट वी नीड टू फॉलो। दीज आर द डिवाइन कमांड थ्योरी विच इज ऑल्सो नोन एज थियोलॉजिकल वॉलंटरिज्म। ये क्या कहती है, ये एक लाइन में यदि मैं कहूँ, ये कहती है कि आपको उस चीज़ में विश्वास करके फॉलो करना है जो गॉड ने बोला है। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर में 10 कमांडमेंट्स में है, उसी के हिसाब से आपको चलना है। जैसे हमारे यहाँ पे जो 4 वेदास हैं या पुराणों में जो बात कही है वही हमें फॉलो करनी है, जो हमारे धर्म ने बात कह दी हमें वही फॉलो करनी है। ये है डिवाइन कमांड थ्योरी, ये है व्हाट इज योर राइट टू डू धर्म के हिसाब से। लेकिन यदि हमें इसे कंपेयर करना हो दैट व्हाट इज राइट टू बी डन, देन वी हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ नेचुरल लॉ इथिक्स एंड यूटिलिटेरियनिज्म। नेचुरल लॉ इथिक्स टॉक्स अबाउट सिचुएशन, इट टॉक्स अबाउट अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर केस विच डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर अटेंशन। से फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड इथिक्स बात करती है इथोनेशिया की मर्सी किलिंग, हर केस के लिए रूल अलग अलग है। एबॉर्शंस वैसे इलीगल है लेकिन यदि डिमांड है, डॉक्टर कन्विंस हो रहा है और कि वुड बी मदर को खतरा हो सकता है या बच्चे को खतरा हो सकता है, देन उस हिसाब से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। हर केस अपने आप में एक अलग से रूल मांगता है। सो दिस इज व्हाट नेचुरल लॉ इथिक्स। ऐसे ही यदि कंपेरिजन आपको डिवाइन कमांड थ्योरी का करना हो जो फिक्स है यूटिलिटेरियनिज्म से, यूटिलिटेरियनिज्म जेरेमी बेंथम का एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि मेजोरिटी की हैप्पीनेस के लिए यदि माइनॉरिटी की अनहैप्पीनेस को इग्नोर करना पड़े तो कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि 99 लोगों को यदि बचाना है और उसके चक्कर में एक आदमी को ख़त्म होना है तो वो जस्टिफाइड है, लेकिन वॉट अबाउट 1%, वॉट इज राइट, आर्टिकल 21 है उसका, भाई 1% जरूर है लेकिन फिर भी उसके जीवन की बात तो है। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम लॉस पे 99 लोग बच जाए, ऐसे रास्ते को हमें देखना पड़ेगा। राइट, व्हाट इज राइट टू बी, व्हाट इज राइट टू डू मींस इथिकल फ्रेम जो है, जो लॉ से ऊपर निकलता है उसको हमें देखना है। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में सेलिंग ऑफ लिकर से, भाई सेलिंग ऑफ लिकर लीगली परमिट होता है, कोई आदमी चोरी नहीं कर रहा, लाइसेंस लेके शराब को बेचता है। राइट, शराब को तो लोग बेवजह बदनाम करते हैं, लाइक यदि शराब में यदि नशा होता तो फिर बोतल भी नाचती, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। कोरोना के टाइम पर जब कुछ भी नहीं खुला था सबसे पहले शराब की दुकानें खुली, सरकार का ये जस्टिफिकेशन था कि भाई इससे टैक्स आएगा जिससे हम लोग दवाइयाँ खरीद पाएंगे कुछ नीडी सेक्शंस के लिए। आज की डेट में ये शराब का मतलब जो है वो दिल्ली की सरकार से पूछा जाए कितने काले बादल छाए हुए हैं। गुड़गांव में जाके आप देखो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। आज ही की खबर थी कि जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर में जो स्पेस होगा वहाँ पर शराब का जो दुकान है वो लगा सकते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वो खरीद सकते हैं। मींस एक्स्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी इंडिया इज गोइंग टू हैव। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग। बट नाउ सेलिंग ऑफ लिकर वर्सेज द एक्सेप्टेंस ऑफ इट इन सोसाइटी, दोनों में अंतर है। वॉट इज राइट, ये अपने आप में एक रियलिटी है या फैक्ट है, एंड व्हाट इज राइट
टू डू मीन्स रॉन्गनेस कितनी है उसमें और कितना वो सही है. सही तो है लेकिन कितनी डिग्री है उसमें राइटियसनेस की. ये वाला जो एग्जामिनेशन है ये इथिक्स के परव्यू में आता है, ये किसी भी लॉ में नहीं आ सकता. ऑफ कोर्स लॉ वर्सेस इथिक्स में मैंने आपको यही बताया हुआ है कि लॉ आर्टिफिशियल है, हमने ही बनाया है कानून, लेकिन इथिक्स जो है वो नॉर्म्स है, कई सालों से सेंचुरीज से फॉलो हुए होते हुए आ रहे हैं, गॉड ने बनाया है. राइट. सो एक्सेप्टेंस जो होता है वो एथिक्स में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है. लॉ तो मैनिफेस्टेशन है, जो बहुत ही ज़्यादा स्क्वायरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उसको ही हम लोग लॉ के रूप में फ्रेम कर देते हैं. नाउ इफ आई नीड टू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन विच इज टू कनेक्ट द अदर क्वेश्चन, देन द क्वेश्चन दैट कैन बी देयर रिलेटेड टू अप्लाइड इथिक्स, रिलेटेड टू लॉ वर्सेज इथिक्स, रिलेटेड टू डियोन्टोलॉजी एंड टेलियोलॉजी, रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड इक्विटी, रिलेटेड टू इवन इंडियन माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड टू गीता, देन इवन यू कैन टॉक अबाउट यू कैन से द इमैनुअल कांत कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, देन ऑल्सो देर आर अदर स्कॉलर्स लाइक महात्मा गांधी, सॉक्रेट्स, प्लेटो. एट लेंथ इफ यू नीड टू राइट आई विल आस्क यू टू राइट एट लेंथ वट एवर द स्कॉलर इज, सारे के सारी चीज़ें हमें उसमें डिस्कस करना जरूरी होता है. आई विल एक्सपेक्ट यू टू सबमिट योर आंसर्स यूजिंग आवर एप्लीकेशन, जहाँ पर हमने इथिक्स का काफ़ी फॉर्डर डाला हुआ है. आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा. मैंने दो केस डिस्कस किए थे, उनका जो वीडियो है मिरिंडा एंड एरिजोना एंड क्रिस वोल्ड वर्सेस कनेक्टिकस, इसका भी वीडियो आपको इस वाले वीडियो के जो मेरा बोलने का वीडियो है, वी हैव अटैच्ड इट विद दिस वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं जिससे आपको याद रहे. एंड पॉटर स्टेवर्ड के बारे में पहला वीडियो आपने देख ही लिया है कैसा था. मुझे ऐसा लगता है कि जो पेडागोगिकल टच हमें एक एथिक्स के टॉपिक में देना चाहिए, हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको ऐसा लगता है कि सजेशन के रूप में एनी न्यू थिंग दैट वी नीड टू ऐड प्लीज़ डू लेट अस नो. एंड इसका जो पीडीएफ है जो हमने डिस्कस किया है, इसको हमने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, आगे यदि रिवीजन करना होगा कभी तब भी काम आ सकता है. क्लासेस जो होती हैं वो थोड़ी सी लंबी होती हैं, वीडियो को मैं थोड़ा इसलिए छोटा रखता हूँ कि इंटरेस्ट भी बना रहे, टाइम कम है, कोरोना का टाइम तो है नहीं कि घर में बैठना है, चार काम और भी हैं तो आप देख भी पाएँ. तो आधा घंटे से 1 घंटे का ही ड्यूरेशन जो आइडियल होता है, दैट आई ट्राई टू कीप, एंड दिस इज वॉज द सजेशन ऑफ अवर टीम मेंबर, दैट इज वॉट इज द केस. क्लासेज जो होती हैं वो 3 घंटे की भी हो सकती हैं, 4 घंटे की भी होती हैं, वहाँ पर कोई बात नहीं है क्योंकि हंसी मजाक भी थोड़ा चलता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक प्रोसेस होती है समझने की और समझाने की. सो दिस इज वॉट इज द केस. नाउ आई विल टेक अनदर मिनट टू राउंड अप एंड टू हैव द रिविजन ऑफ वट एवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार. वी टॉक्ड अबाउट पॉटर स्टेवर्ट, वेयर इन आई टोल्ड यू दैट ही वॉज अ एडवोकेट इन US एंड ऑल्सो ही बिकेम अ जज फ्रॉम 1915 टू 1985. 70 years लाइफ स्पेन ही हैड एंड द गिफ्ट दैट ही गिव वॉज फर्स्ट राइट टू रिमेन साइलेंट एंड ऑल्सो the law which was banning the contraceptives used by the married couples was also declared invalid because of his contribution as an advocate, as a judge. These are the two things. Then the court also we have discussed, like the organic law without the naked law, the acceptance of it should be there and the swiftness in the judgment should be there, that it should not be a judgment only, it appears to be given to make the real person happy. Then we also talked about divine command theory and comparison of it with natural ethics law, natural law ethics, as well as the utilitarianism, and what is right to do and what is your right to do. दोनों में यदि हमें comparison करना था तो उसके लिए हमने deontology and teleology का reference point लिया. एक pregnant lady and एक reserved जो seat है उसका example लेने की कोशिश की, अजमल कसाब का example लेने की कोशिश की, इक्वलिटी एंड एथिक्स को रेफरेंस पॉइंट बना के समझने की कोशिश की. सो दिस इज आई थिंक सफिशियंट टू राइट अ वेरी वेरी गुड आंसर्स, वेर इन यू कैन इवन स्कोर 65% मार्क्स. 65% टू 70% बहुत यू नो रेयर होता है. 60% एंड 55% एक
आना ही चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि 55 to 60% इथिक्स के पेपर में यदि नहीं आता है तो और जीएस के पेपर में जो कमी हुई है वो फिल नहीं हो पाती। इट मीन्स 250 में से 125 तक लाना या उससे ऊपर लाना एक पॉसिबिलिटी है इथिक्स के पेपर में, लेकिन दूसरे पेपर में बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिपेंड करता है आपका ऑप्शनल भी कैसा है। एंड आई होप इट वॉज ऑल गुड एंड यू अंडरस्टूड इट वेल। विल सी इच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल द टाइम प्लीज टेक केयर एंड जय हिंद। The story starts out in a Planned Parenthood located in New Haven, Connecticut. This Planned Parenthood was ran by Estelle Griswold, and a Yale graduate gynecologist named Charles Buxton helped her open it. In 1879, Connecticut passed a law called the Comstock Law that banned all drugs and devices used as contraceptives. Griswold and Buxton did not agree with this law, and they continued their practices at their Planned Parenthood location. Soon enough, they were arrested. But the fight didn't stop there. Griswold and Buxton used their clinic to challenge the law under the 14th Amendment in the Supreme Court. The Chief Justice for this case was William Douglas. Griswold argued that Connecticut violated the right to marital privacy, which would be a part of the 14th Amendment. Connecticut argued that the Constitution does not explicitly state any right to marital privacy. In a 7-2 vote on June 7, 1965, Griswold won the case and the Supreme Court ruled Connecticut's statute unconstitutional. From then on, the use of birth control became protected under the 14th Amendment and is now a right for all women.